नीतीश कुमार ने राज्यपाल को समर्थन का पत्र सौंप दिया है। देखिए, हमारे सहयोगी रुपेश कुमार ने आपको दिखाया काफिला, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का, कार्यवाहक मुख्यमंत्री का, और अब जानकारी मिल रही है कि नीतीश कुमार ने राज्यपाल को समर्थन का पत्र सौंप दिया है एनडीए के विधायक दल का नेता चुने जाने के बाद। अक्कू श्रीवास्तव जी, एक छोटा सा कमेंट आपसे। संकल्पों का हम जिक्र कर रहे थे, क्या ये पूरी तरह से मान लिया जाए कि जो मौजूदा दौर की सियासत है उसमें नेताओं के संकल्पों की कोई अहमियत नहीं रह गई है? एक तरफ सम्राट चौधरी जिन्होंने संकल्प लिया था नीतीश कुमार को हटाने का, दूसरी तरफ नीतीश कुमार जिन्होंने संकल्प लिया था नरेंद्र मोदी को हटाने का, अब दोनों साथ आकर बिहार में सत्ता चलाएंगे। देखिए, राजनीति में अब जिस तरीके की परिभाषाएं गढ़ी जा रही हैं वो अजीबोगरीब हैं। यहाँ ये कह दिया जाता है कि एवरीथिंग इज फेयर इन लव एंड वॉर, इस यहाँ ये कह दिया जाता है कि हालात के हिसाब से फैसला करेंगे, यहाँ उसी तरीके की अपनी सुविधा के है? लव है या वॉर है? ये वॉर भी है और लव दिखता है, लव है वॉर ही पूरी पूरी। और इस वॉर में भारतीय जनता पार्टी आगे होने की कोशिश कर रही है कि कैसे, उसकी आज नतीजा भी देखिए। जो विनोद तावड़े, जिनको कभी बात नहीं होती थी नीतीश कुमार के साथ में, वो आज गए हैं उनके साथ बैठ करके। जो सम्राट चौधरी बिल्कुल अलग थलग रहते थे, जिनको बिल्कुल जिस भाषा का इस्तेमाल करते थे, वो आज उनके सहयोगी बनने जा रहे हैं। और इसीलिए मैं कह रहा हूं कि भारतीय जनता पार्टी इस बार एक अपर हैंड की स्थिति में होगी, जो जैसा चाहेगी, कराना चाहेगी, करना चाहेगी, वो करने की स्थिति में होगी। और ख़ास तौर से 24 के लिए आते, 25 का फिर मैं कह रहा हूं आपको, 25 में देखिएगा, ये बात तय हो चुकी है इन लोगों में कि 25 में मुख्यमंत्री पद भारतीय जनता पार्टी के पास रहेगा, नीतीश की भूमिका केंद्र में। पहले तो लोकसभा चुनाव है, उससे वो सबसे बड़ी लड़ाई है, लोकसभा चुनाव की 40 लोकसभा सीटें आती हैं। एक बड़ी खबर और है सर, मैं आऊंगी आपके पास। नीतीश ने नई सरकार बनाने का दावा पेश कर दिया है, राज्यपाल को समर्थन पत्र, समर्थन की चिट्ठी सौंप दी गई है, समर्थन के विधायकों की चिट्ठी सौंप दी गई है। इस बीच बीजेपी नेता संजय जायसवाल का बयान भी सामने आ गया है, बिहार का हाल बंगाल जैसा हो रहा था, प्रधानमंत्री मोदी ने बिहार के हित में फैसला लिया, ये सरकार रहती तो बिहार भी बंगाल बन जाता। बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं कि जिस तरह से दिसंबर में परिस्थितियां बन रही थी, बिहार भी बंगाल के समान हो जाता, जहां हर आम इंसान, हर का व्यक्ति को एक डर के साए में जीना पड़ता। माननीय प्रधानमंत्री जी ने यह निर्णय करके बिहार के हित में निर्णय किया है, और जो जंगल राज, जो 1990 से 2005 का कार्यकाल था, जो जिसमें केवल और केवल अपराधियों की चलती थी, वह दोबारा नहीं हो, इसके लिए माननीय प्रधानमंत्री जी ने और राष्ट्रीय अध्यक्ष जी जो निर्णय किया, उसके लिए पूरी भारतीय जनता पार्टी की तरफ से हम लोग उनको बहुत बहुत धन्यवाद और आभार व्यक्त करते हैं, वरना बिहार भी बंगाल बन जाता। विकास और होगा, मिलकर बिहार को और आगे बढ़ाएंगे। जब उसका प्रमुख सूत्रधार ये बोल रहा है तो कोई भविष्य था उसका क्या? कोई वैकेंसी नहीं है प्रधानमंत्री के पद की। भाजपा एनडीए की ऐतिहासिक विजय होगी लोकसभा में और बिहार में 40 की 40। धन्यवाद। रुपेश कुमार हमारे संवाददाता हमारे साथ मौजूद है, रविशंकर प्रसाद को रुपेश हम सुन रहे थे। अब तो बातें यहां तक कही जाने लगी हैं कि सूत्रधार ही अगर हमारी तरफ आ गया तो फिर तो इंडिया गठबंधन को ही खत्म मान लिया जाए, कोई चुनौती नहीं है 2024 के लिए। देखिए, 3 दिन पहले जब केसी त्यागी पटना आए थे तो उनसे मेरी बातचीत हो रही थी, तो उन्होंने उस वक्त ही कहा था कि इंडिया गठबंधन बिखर जो वो बिहार बार बार दिखलाता है देश को जी, लेकिन बिहार बार बार देश को दिखलाता है कि सरकार का गिरना, सरकार का बनना चुटकियों का खेल है, ये बिहार में ही हो सकता है। और बिहार की सियासत बार बार देखिए, लोग भी सर हिला रहे हैं, क्या चुटकियों का खेल है ये सर? चुटकी के खेल से मैंने आओ हम कम लगाते हैं पार्टी के कार्यकर्ता, ये जदयू आदरणीय नीतीश कुमार जी शतरंज के बड़ी माहिर खिलाड़ी हैं जी, शतरंज के माहिर खिलाड़ी हैं, देखिए जी हाँ, माहिर खिलाड़ी हैं, एकदम खिलाड़ी हैं। चुटकी का खेल है सरकार बदल जाना, सरकार बन जाना, बन जाना। एक घंटे में आपने देखा होगा सरकार गिरी फिर सरकार बनने जा रही है, एक घंटा भी नहीं लगता, एक घंटा भी नहीं लगता।
तो देखिए लोग भी लगातार, जनता भी प्रतिक्रिया दे रही है बिहार की राजनीति को लेकर कि लगातार ऊहापोह की स्थिति रहती है, संदेह बना रहता है, कभी भी कुछ भी हो सकता है। इस बीच नीतीश ने राज्यपाल को समर्थन पत्र सौंप दिया है। एक और बड़ी खबर, नीतीश कुमार पर शिंदे गुट का बयान भी आ गया, एकनाथ शिंदे गुट। नीतीश ने घर वापसी की है। देखिए महाराष्ट्र में भी एक वक्त में सरकार पलटी थी और वही एकनाथ शिंदे जो मुख्यमंत्री महाराष्ट्र के, वो कह रहे हैं कि नीतीश कुमार ने घर वापसी की है, मोदी के साथ ही सक्षम नेतृत्व है, इंडिया में कोई भविष्य नहीं है। लगातार नेता रिएक्ट कर रहे हैं और कह रहे हैं कि इंडिया फुस होता चला जा रहा है।